ऐसे वसई विरार के प्रथम महापौर श्री राजीव नाना जी आज उनके कदम अपने वसई में नाद ब्रह्म नेचुरोपैथी में हुए हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा रुपेश दादा का जिन्होंने मुझे मौका दिया, राजीव नाना हमारे पास आए और राजीव नाना ने मेरे हाथों से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लिया है। नाना कसं वाटतं तुम्हाला, तुम्ही स्वतःचा अनुभव दोन शब्दात सांगा। एकदम चांगलं वाटतंय, एका दिवसामध्ये काही रिझल्ट कळणार नाही पण पहिल्या दिवशी रिलॅक्स तरी वाटते, बॉडी फ्री वाटते। मातोंडकर एक चांगला एक्युप्रेशरिस्ट आहे असं मी ऐकून होतो, रुपेश दादाकडे नेहमी मला कळत होतो, पण आज मला कळलं की चांगलं आहे आणि ही ट्रीटमेंट रेग्युलर म्हणजे आता माझं मला सर्वात प्रॉब्लेम आहे 62 वर्षाचा आहे आणि वजन माझं 100 किलो आहे। ओके, म्हणजे उजव्या पायावरचा जो प्रेशर आहे ते प्रेशर वाढून पाय जो दुखत होता माझा पंज्याच्या इकडे तो आता ही ट्रीटमेंट केल्यानंतर दुखायचं कमी झालेलं आहे। कमी वाटतं आता, बघूया आज दिवसभर कसं वाटतं। त्याच्यानंतर मग हेमंतला मी सर्टिफिकेट देण्यात येतो, मी सर्टिफिकेट देत नाही, सर्टिफिकेट माझ्या ठेवतो। चालेल चालेल, नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम। सगळ्यात पहिले तुम्हाला कालच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा, कोटी कोटी शुभेच्छा। आणि तुमच्या या वाढदिवसानिमित्त रुपेश दादाने हा 3 दिवसीय कॅम्प ठेवलेला आहे, काल 50 लोकांनी त्याचा उपभोग घेतला, आज पण 35 लोक झालेले आहेत, 15 लोक लाईन अप आहे आणि उद्या पण आता 35 बुकिंग आहे, असे 150 लोकांना आपण याचा फायदा देणार आहोत। थँक्यू हेमंत। खरोखर समाजातल्या गरीब जो घटक आहे म्हणजे खास करून चाळ एरियामध्ये, झोपडपट्टी एरियामध्ये ज्यांना असे छोटे छोटे आधार आहेत त्यांच्यासाठी तू अशी सोय द्यावी जेणेकरून काही जी वयस्कर मंडळी आहेत त्यांना जे त्रास आहेत ते त्रास दूर होतील आणि त्यांचे तुला आशीर्वाद मिळतील, त्यामुळे तुझं आयुष्य आणि आमचं सगळ्यांचं आयुष्य शांततेत जाईल याची मला खात्री आहे। थँक्यू थँक्यू। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद है वसई ईस्ट के नाद ब्रह्म नेचुरोपैथी सेंटर पर। यहाँ हम पिछले कुछ समय से लगातार आ रहे हैं, हेमंत माटोंडकर जी जो है इनके कर्ता धर्ता है यहाँ के, और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट है ये 2-3 वीडियो में मैं आपको आगे बता चुका हूँ। आज एक विशेष दिन है, दरअसल कल 1 अक्टूबर को वसई विरार महानगर पालिका के प्रथम महापौर राजीव पाटिल, जिनको सभी नाना नाम से जानते हैं, उनका जन्मदिन था। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती है, और कल 3 अक्टूबर को वसई विरार के कार्य सम्राट विधायक जितेंद्र ठाकुर सर का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो ये 3 दिनों के उपलक्ष में हमारे साथ इस समय मौजूद है वसई विरार के पूर्व महापौर रुपेश जाधव। एक युवा नेता तो है ही लेकिन ऊर्जावान नेता है, ऊर्जावान नेता है वो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने यहाँ आज ये 3 दिनों का जो हेमंत माटोंडकर जी का जो कैंप है वो 3 दिनों का मुफ्त कैंप यहाँ आयोजित किया हुआ है। यहाँ कोई भी 3 दिनों में आएगा इलाज कराने तो उसको इलाज मुफ्त में किया जाएगा, इनसे इसी बारे में जानकारी। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो ये कार्यक्रम क्या है, किस उपलक्ष्य में है, इसकी जानकारी। हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजू जी नाना पाटिल जो हमारे प्रथम महापौर थे और हमारे सबके लोक नेते जितेंद्र जी ठाकुर साहब, उनका 3 तारीख को बर्थडे है। हम लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ते हैं उन्होंने अलग अलग कैंप रखा, कोई रक्तदान शिविर रखा, कोई कैंप रखा, ऐसा पूरे तालुका में आयोजन हो रहा है, पालघर में भी हो रहा है, थाना में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, हमारे जितने कार्यकर्ते हैं वहाँ पे। तो इस टाइम पर हम लोगों ने अलग से कुछ अपने करना मन था कि हमारे पेन करता था, मैं यहाँ पे आने के बाद 10 मिनट में वो पूरा पे मेरा जो दर्द था वो सब निकल गया। तो फिर मैं देख रहा था यहाँ पे मतलब डेली के जो लोग आते थे वो इतने त्रस्त थे कि दूसरा कुछ उसके इलाज भी नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं देखा था तो उनको मैं बोला कि नाना और हमारे अप्पा इनका जो बर्थडे है तो वो 3 दिन लगातार जितने भी लोग आने दो उनका पूरा पैसा हमारे आचार्य विभाग के जो हमारे जो नगर सेवक के कार्यकर्ते हम उसका पैसा पे करेंगे। और उन्होंने वैसा कैंप रखा और ये आचार्य विभाग से हम लोगों ने आज एक अलग कुछ कैंप रखा था। आज मुझे बहुत अच्छा आनंद है कि हमारे जो मार्गदर्शक राजू जी पाटिल साहब है उधर आया है, यहाँ पे आके उन्होंने भेंट मतलब दी इस कैंप के। ये जो आप बोल रहे हो काफी बड़ी बात है, एक कैंप रखना किसी के लिए 3 दिन तक वो अपनी जगह पे है, लेकिन जिनके लिए कैंप रखा गया वो खुद ही कैंप में आए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हो जाएगा आने वाले समय में लोगों के लिए। तो इसके क्या हम लोगों ने मतलब सोचा भी नहीं कि नाना इधर आके और आए भी नहीं, उन्होंने खुद फिजियोथेरेपी की, वो हमको बहुत आनंद है। उनके साथ में हमारे सब कॉर्पोरेटर, हमारे हार्दिक जी राउत जी और सभी कॉर्पोरेटर कार्यकर्ते यहाँ पे आए,
मैं उनका आभार मानता हूँ। आज हमको अच्छा लगा कि हमारे सभी आचार्य विभाग से ये कैंप रखा और कैंप में हमारे जो जिनका बर्थडे था जिनके लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था वो इस कैंप को उन्होंने भेंट दी और खुद उसने इलाज किया, हमें बहुत खुशी है। ऐसे कैंप का डेढ़ दिन में ये मान के चले कि अप्पा भी यहाँ आए। हमारे अप्पा कभी भी इधर हम लेके आ सकते हैं और नाना आए अप्पा आए और नहीं भी आए फिर भी कार्यकर्ते जब से उनके लिए काम ही करके उनके वजह आज हम हैं। आज उन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी, उन्होंने हम लोगों को नाम दिया, इसके लिए हम सब कार्यकर्ते नगर से बन गए तो उनके लिए हम खुश। सर आज क्या प्रोग्राम है जानकारी दीजिए। कल 1 तारीख नाना जी का बर्थडे, आज हमारे माजी महापौर रूपेश जी और हमारे पूरे आचोला की टीम ने यहाँ पे हमारे मित्र हेमंत माटवन जी सर की यहाँ पे मेडिकल कैंप मतलब जिसमें एक्यू प्रेशर थेरेपी जो की गई है उसमें तकरीबन 150 से 200 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हमारे लोकनेता माननीय श्री इंद्र जी ठाकुर उनका बर्थडे कल है। हम सब कार्यकर्ता आजी माजी पदाधिकारी नगर सेवक हमारे माजी महापौर और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरीके से ये जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और लोगों को कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आके रजिस्टर करके सेवा का लाभ लीजिए। हमारे मित्र हमारे कॉलेज टाइम के मित्र रह चुके हेमंत जी और अच्छी सेवा दे रहे लोगों को, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे सभी की ओर से यहाँ की जनता के लिए और अच्छे काम करने के लिए आपके सुझाव जरूरी है आपके माध्यम से या लोगों ने डायरेक्टली जैसे हमारे लोकनेता और हमारे युवा आमदार सिद्धिश दादा उनके मार्गदर्शन के अंडर हम काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए लोगों के सुझाव जरूरी है क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए और आपके जो भी सुझाव रहेंगे आप यहाँ पे हमारे जो भी पदाधिकारी है उनके तरफ दे दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हेमंत सर आज आपका जो ये थेरेपी सेंटर है इसके ऊपर खुद प्रथम महापौर यहाँ पे विजिट किए, क्या अनुभव है क्या कहेंगे? जय हिंद। सबसे पहली बात हमारे वसेवीरा के प्रथम महापौर माजी ये राजीव नाना जी हमारे पास आए ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और उनको लाने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा रूपेश जी जादव का जो अपने यहाँ के माजी महापौर है और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि लोगों की सेवा कर सकूं। तो ये 3 दिन का कैंप का आयोजन था, 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, अभी भी कल का दिन बाकी है तो जिनको भी आना है उनका स्वागत है। नेचुरोपैथी क्यों करना है, कोई दवाई नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं और किधर भी आपको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए नेचुरोपैथी करनी चाहिए। 1 तारीख को राजू नाना जी का बर्थडे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही में 3 तारीख को हमारे आपके सबके चहेते लोक नेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर इनका जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे थे अभी हमारे यहाँ के एक्स मेयर रूपेश यादव सर से और किस तरह से इन्होंने बताया इनकी पार्टी चाहे नाना हो चाहे अप्पा हो किस तरह से वो हर एक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत है और यहाँ नाना ने आज आके इस सेंटर के ऊपर आके खुद अपना इलाज करवा के जो एक प्रेरणा लोगों में अलग से दी है उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ किसी चीज को कर लेना ही पूरा नहीं है लेकिन उसका अनुभव करना वो बड़ी चीज है। आपके लिए इतना ही वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।